पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में कई युवा नेताओं ने दांव आजमाया। इसमें कई नेता पहली बार चुनावी मैदान में आए तो कई युवा नेताओं की अपने गठबंधन को जुटाने के लिए बड़ी भूमिका निभाई। एक तरह से कहा जा सकता है कि युवा इस बार छाए रहे, चाहे प्रत्याशी के तौर पर या स्टार प्रचारक के तौर पर। पेश है ये खास रिपोर्ट। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में इस बार युवाओं की खासी भूमिका रही। युवा प्रत्याशियों ने अपने चुनाव को जीतने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। पार्टी के युवा नेताओं ने अपने गठबंधन को जीत दिलाने के लिए जमकर प्रचार किया, डोर टू डोर कैंपेनिंग की, रोड शो किए। यूपी में योगी आदित्यनाथ सीएम का चेहरा तो थे ही, लेकिन पार्टी के स्टार प्रचारक भी थे। वहीं सपा गठबंधन के लिए अखिलेश और जयंत ने कमान संभाली। इस चुनाव में अनुराग ठाकुर, अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल, अपर्णा यादव, अदिति सिंह जैसे युवा सुर्खियों में रहे। प्रियंका और राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी भी युवा नेता के तौर पर प्रचार करते दिखे। पंजाब में आप और कांग्रेस ने कई युवाओं को चुनाव मैदान में उतारा। यूपी में मुजफ्फरनगर की चरथावल सीट पर पंकज मलिक ने सपा के टिकट पर चुनाव में जीत हासिल की। वहीं बीजेपी की प्रत्याशी के तौर पर अदिति सिंह ने रायबरेली की प्रतिष्ठा की सीट हासिल की। यूपी चुनाव के रण में कई ऐसी सीटें थी जहां महिला प्रत्याशी चुनाव को पूरे दमखम के साथ लड़ी, ऐसी कई सुर्खियों में रही। रायबरेली से अदिति सिंह ने प्रतिष्ठा की सीट जीत ली। कांग्रेस से बीजेपी में आई अदिति सिंह इस क्षेत्र में विधायक रहे अखिलेश सिंह की बेटी हैं। ये सीट कभी कांग्रेस के प्रभाव में रही है। 2017 के चुनाव में अदिति सिंह 29 साल की उम्र में विधायक बनी थी। एक बार फिर उन्होंने इस सीट को हासिल करके अपना प्रभाव दिखाया है। सबसे हॉट सीट में एक सिराथू का परिणाम चौंकाने वाला रहा है। यहां प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अपना दल के उम्मीदवार पल्लवी पटेल ने उन्हें पराजित किया। पल्लवी एक समय के दिग्गज नेता सोनीलाल पटेल की बेटी हैं। नोएडा की सीट में बीजेपी प्रत्याशी पंकज सिंह ने 181,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की। पंकज सिंह केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं। उन्होंने सपा के सुनील चौधरी को पराजित किया। वहीं अतरौली की सीट पर संदीप यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पौत्र हैं। गोंडा की सीट पर कांटे की लड़ाई में बीजेपी के प्रतीक भूषण ने सीट हासिल की। सपा के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान रामपुर स्वार सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। उनका मुकाबला अपना दल एस के नवाब खानदान के हैदर अली से था। इस सीट पर अब्दुल्ला आजम खान को जीत हासिल हुई। चौरी चौरा से निषाद पार्टी के संजय निषाद चुनाव जीते हैं। विधुना से सपा की रेखा वर्मा ने बीजेपी की प्रत्याशी रिया शाके को 7,500 वोटों से हरा दिया। रिया शाके इस चुनाव में सबसे कम उम्र की प्रत्याशी थी। देहरादून के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी रिया शाके इस चुनाव में 7,000 मतों से पीछे रह गईं। आगरा जिले की फतेहाबाद सीट पर रूपाली दीक्षित अपना चुनाव हार गईं। उन्होंने 2017 में भी आगरा की सीट पर टिकट मांगा था। जब टिकट नहीं मिला तो सपा में चली गई थी, लेकिन इस बार उन्हें छोटेलाल वर्मा ने बड़े अंतर से हरा दिया। मेरठ कैंट की सीट पर आरएलडी की मनीषा अहलावत और बीजेपी के अमित अग्रवाल के बीच मुकाबला था। मनीषा आरएलडी के नेता चंद्रवीर सिंह की बेटी हैं, वो अपना चुनाव जीत नहीं पाई। कैराना चुनाव क्षेत्र 2022 के चुनाव में खासा चर्चा में रहा। सियासी दलों के स्टार प्रचारकों ने रैली, सभा से लेकर डोर टू डोर कैंपेन और रोड शो से कैराना को सुर्खियों में रखा। यहां बीजेपी ने एक समय के कद्दावर नेता बाबू हुकुम सिंह की बेटी मृगांका को अपना प्रत्याशी बनाया था। सपा के नाहिद हसन ने इस सीट को जीता है। कैराना में इकरा हसन भी निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी। उत्तराखंड के कोटद्वार में रितु खंडूरी ने बाजी मारी है। रितु खंडूरी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी की बेटी हैं। बीजेपी उनकी यमकेश्वर सीट बदलकर उन्हें कोटद्वार में चुनाव बीजेपी की तरफ से लड़ाया गया। ये सीट काफी कांटे की मानी जा रही थी, लेकिन रितु खंडूरी ने बड़े अंतर से कांग्रेस के दिग्गज सुरेंद्र सिंह को पराजित कर दिया। कहा जा सकता है कि रितु ने अपने पिता की पराजय का भी बदला लिया। इसी तरह बगल की लैंसडाउन सीट भी सुर्खियों में रही। चुनाव से ठीक पहले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को बीजेपी ने बर्खास्त किया तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस ने उनकी बजाय उनकी पुत्रवधू अनुकृति गोसाई को टिकट दिया। इस सीट पर दिलीप सिंह रावत ने चुनाव जीता है। दिलीप सिंह रावत ने अनुकृति को 9,000 वोटों से हरा दिया। अनुकृति मॉडलिंग के क्षेत्र में भी जाना पहचाना नाम है, लेकिन सियासत के पहले खेल में वो बाजी हार गईं। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लालकुआ की सीट नहीं बचा सके, लेकिन उनकी बेटी अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने उत्तराखंड के मंत्री यतीश्वर आनंद को पराजित किया है। इस सीट पर भी बेटी ने पिता की पराजय का बदला लिया है।
लखनऊ उत्तर से सपा की पूजा शुक्ला को बीजेपी के नीरज बोरा ने पराजित कर दिया है। सपा ने अभिषेक मिश्रा की सीट बदलकर पूजा को यहां से चुनाव लड़ाया था, लेकिन 3000 मतों से वो पीछे रह गई। कांग्रेस के लिए महिलाओं में अकेली सीट हासिल करने वाली आराधना मिश्रा कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की बेटी है। प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी नागेश को अच्छे खासे अंतर से हराया है। इस सीट पर सपा गठबंधन ने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लालकुआ की सीट नहीं बचा सके, लेकिन उनकी बेटी अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव जीत गई है। उत्तराखंड में यशपाल आर्य ने पाला बदला और बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी बाजपुर की सीट तो बचा ली, लेकिन उनके बेटे संजीव आर्य उत्तराखंड की नैनीताल सीट पर पराजित हो गए। उधर पंजाब के मोगा में कांग्रेस के टिकट पर लड़ रही मालविका सूद अपना चुनाव हार गई। मालविका सूद कलाकार सोनू सूद की बहन है। गोवा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने पणजी से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें दूसरी सीट पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। वो निर्दलीय चुनाव लड़े और बीजेपी के टिकट न मिलने पर बागी हो गए, लेकिन चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली। अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले अभिषेक मिश्रा को सीट बदलकर लखनऊ सरोजनी नगर से चुनाव लड़ाया गया, लेकिन इस सीट पर पूर्व आईपीएस राजेश्वर सिंह ने भारी मतों से जीत हासिल की है। एक समय आरएलडी का बड़ा चेहरा माने गए कोकब हमीद के बेटे अहमद हमीद को आरएलडी ने चुनाव लड़ाया, लेकिन बीजेपी के योगेश धामा उन पर भारी पड़ गए। बागपत की 3 सीटों में 2 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। उत्तराखंड में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से अपना चुनाव हार गए। इस सीट पर कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने जीत हासिल की। हस्तिनापुर में बिकनी गर्ल का खिताब पाने वाली अर्चना गौतम को प्रियंका गांधी ने कांग्रेस में आने का ऑफर दिया था, साथ ही उन्हें टिकट भी मिला, लेकिन वो चुनाव में पीछे रह गई। इस चुनाव में गाजीपुर के सैदपुर सीट पर 25 साल के अंकित भारती ने जीत हासिल की। वहीं हरचंदपुर से सपा के टिकट पर जीतने वाले राहुल राजपूत भी 25 साल के ही हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।